Hey guys, welcome back to the brand new video on this channel. This is Rahul Sharma and you're watching Gaming The Awesome YouTube channel. So guys, this particular video mein aapko batane wala hu main apne training grounds, kyunki ye wala training ground mujhe iske jo feature hai wo game for peace se bhi acche lage. And ek aur cheez dikhata hu aapko, 4x matlab scope dikhata hu khol ke. And bahut baar logon ne dekha nahi hoga, but guys dekho, ye bahut clear lag raha hai. Matlab iska jo frame hai na, ye bahut clear lag raha hai. And same goes for 6x, game for peace wala feeling aa raha hai bilkul na, pubg peace वाला फीलिंग आ रहा है इनको देख के. सो उसके बाद बहुत सारी चेंजेस है, जैसे रिकॉइल पैटर्न में चेंजेस करे गए हैं M4 के, वो भी दिखाने वाला हूं. एंड क्यों करते हैं ये लोग, सो वो भी आपको मैं बताऊंगा. सो वीडियो को एंड तक देखना. एंड अभी आपको दिखाता हूं मैं कुछ चीजें जो यहां पे चेंज हुई हैं. सबसे पहले तो गाइस अपना M4 का रिकॉइल एंड बैरल का रिकॉइल दिखाता हूं मैं. सो मुझे इन दोनों गन्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लगा. एंड M4 में काफी डिफरेंस लगा है. अभी कोई अटैचमेंट नहीं है इसमें. अभी मैं आपको स्प्रे करके दिखाऊंगा रेड डॉट से. सो मुझे जब मैं कल खेल रहा था ना, जब फर्स्ट टाइम मैं ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आया गाइस, तो मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा था. मतलब ये ऐसा लग रहा था कि ये रिकॉइल अपनी सेंसिटिविटी से मतलब अनकंट्रोलेबल है. मतलब जितना अच्छे से हम कंट्रोल कर पाते थे, उतने अच्छे से नहीं हो रहा था. फिर थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग करके मैं यूज्ड टू हो गया. एंड इवन मैंने सेंसिटिविटी भी थोड़ी सी अपनी बढ़ाई. सो रिकॉइल में बहुत डिफरेंस है. रेड डॉट पे मतलब राइट लेफ्ट का रिकॉइल बढ़ा दिया गया. एंड थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मुझे फीलिंग आ रहा है कि बढ़ाया गया है. एंड आफ्टर दैट अभी मैं 6x का भी दिखाता हूं गाइस आपको. सो सामने से अब अपन स्प्रे करते थे तो अपना स्प्रे विदाउट अटैचमेंट काफी स्टेबल रहता था. बट अभी एक चीज मैंने नोटिस करी है. जैसे मैं स्कोप खोलता हूं अपना, ठीक है, सो समझने की ट्राई करना. जैसे मैं स्कोप खोल रहा हूं अपना R6X, सो इसमें मतलब शेकीनेस तो है, बट जो पीछे की चीजें हैं ना गाइस, वो बहुत इजीली मतलब विजिबल है. सो ये चीज काफी अच्छा लगा कि हम अपने एनिमी को बिल्कुल इजीली देख के टेक डाउन कर सकते हैं. सो ये चीज मुझे यहां पे लगी, क्योंकि जब भी मतलब मेरा स्कोप तो शेक हो रहा है, बट जो मोशन ब्लर पीछे से था, मोशन ब्लर तो नहीं कहेंगे, मतलब शेकीनेस जो होती है, लगता है कि जैसे पीछे का सब कुछ हिल रहा है, वो चीज नहीं है. एंड बैरल का रिकॉइल अब देखो. सो बैरल के रिकॉइल में भी थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली इंक्रीज करा है. एंड बैरल 6x भी आप देख सकते हो, बट जो शेकीनेस थी ना गाइस, वो मतलब गन में है, बट यार जो फीलिंग आ रहा है ना स्प्रे करने का, मतलब जो विजिबिलिटी निकल के आ रही है स्कोप के अंदर, जो अपने को दिख रहा है, वो मतलब बहुत चेंज करा है. वो अच्छी बात लग रही है मुझे, क्योंकि मेरे पर्टिकुलर डिवाइस में पहले बहुत शेक रहता था, ढंग से चीजें नहीं दिखती थी. सो ये चीजें अभी मेन पार्ट पे चलते हैं. यहाँ पे आप ग्रेनेड की प्रैक्टिस कर सकते हो. डिफिकल्टी लेवल है मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब डिफिकल्टी लेवल 1, डिफिकल्टी लेवल 2 एंड डिफिकल्टी लेवल 3. इनमें जस्ट अपना जो टारगेट्स होते हैं उनकी हेल्थ को इंक्रीज करा है. सो अगर आप थर्ड पे ट्राई करते हो, सो इसमें थोड़ा सा मतलब आपको और ज़्यादा थ्रोएबल्स एक्यूरेट मारने पड़ेंगे एंड और ज़्यादा थ्रोएबल्स लेंगे. सो हेल्थ है गाइस जस्ट ये, बट ये वाली चीज़ दिखाता हूँ. स्टैंडर्ड ट्रेनिंग एंड उसके बाद आती है अपनी रिएक्शन ट्रेनिंग. रिएक्शन ट्रेनिंग में क्या सीन रहता है, अभी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग का बताता हूँ. स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में भी यहाँ पे 3 डिफिकल्टी लेवल है अपने पास, ठीक है. टारगेट्स को पहले मतलब सेकंड वाला जो है ना, सबसे मेन जो है थर्ड वाला, क्योंकि उसमें ओनली हेडशॉट काउंट होंगे. एंड रिएक्शन टाइम का भी जो रिएक्शन ट्रेनिंग रहता है, उसमें भी यहां पे थर्ड जो डिफिकल्टी लेवल है, वहां पे मतलब 2 सेकंड के लिए टारगेट रहने वाला है, ओनली हेडशॉट काउंट होने वाले हैं. सो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आपकी हेडशॉट एक्यूरेसी ज्यादा होने वाली है. सो दोनों चीजें दिखाता हूं गाइस वन बाय वन. अभी मैं इतने अच्छे से स्प्रे नहीं करवाता हूं, बट आपको दिखाता हूं मैं क्या सीन रहता है यहां पे. एंड आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओनली थर्ड वाले डिफिकल्टी लेवल चूज करें, क्योंकि ओनली उसमें हेडशॉट काउंट होंगे. सो बेटर रहता है. इसमें क्या रहता है, अभी थर्ड लेवल का हेलमेट एंड थर्ड लेवल की अपनी वेस्ट होगी, टारगेट के पास सामने 100 HP का टारगेट होगा. एंड इसमें ओनली हेडशॉट मतलब काउंट होने वाले हैं अपने, जैसे मैं मार रहा हूं, बॉडी शॉट काउंट नहीं होगा. बॉडी शॉट काउंट होगा डिफिकल्टी लेवल जो बन रहता है अपना. एंड रिकमेंड करूंगा कि जितने लॉन्ग रेंजेस के टारगेट्स होते हैं, उनमें आप अपनी DMR या स्नाइपर वगैरह यूज करो, क्योंकि गाइस ये वाली चीज ना, मतलब एक चीज लगी मुझे कि इसमें और थोड़ी से फार टारगेट्स होने चाहिए थे. अपनी जो स्नाइपर ट्रेनिंग होती है, वो भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए थी. ये मुझे कुछ कमी लगी, क्योंकि मतलब 300 अगर 300 या 200 मतलब मीटर वाले टारगेट्स भी होते हैं जिनको हम स्नाइपर से डाउन कर पाते. सो वो मुझे मतलब काफी अच्छे लगते हैं. बट यहाँ पे अगर देखोगे, सो ओनली हेडशॉट यहाँ पे काउंट हो रहे हैं. ये ओनली अपनी स्टैंडर्ड जो रहती है ट्रेनिंग, इसमें हेडशॉट काउंट हो रहे हैं. एंड हेडशॉट भी बिल्कुल मतलब अगर एक्यूरेट लगता है तभी होना चाहिए, बिल्कुल मिडिल में, ऐसे नहीं होगा.
सो बिल्कुल प्रिसाइजली एम करना पड़ेगा आपको, एंड इससे आपका एम भी बेटर होने वाला है। जितना जल्दी टारगेट को टेक डाउन कर सकते हो उतना जल्दी टारगेट को टेक डाउन करना, क्योंकि आपका ओनली थर्ड जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें हेडशॉट काउंट होगा, ये दिखने वाली बात रहती है यहाँ पे। सो ऐसा करना गाइज, अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो रिएक्शन ट्रेनिंग है ना वो यहाँ पे बेस्ट है। रिएक्शन ट्रेनिंग बेस्ट क्यों है, क्योंकि रिएक्शन ट्रेनिंग में अपना जो टारगेट रहता है वो थोड़ी देर के लिए पॉपअप होने वाला है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टिल रहता है या फिर मूविंग टारगेट है जाता नहीं है उसमें, मतलब वो चैलेंज टाइप है, एक चैलेंज मिलता है आपको, उसमें आपको अपना एक चैलेंज मिलेगा, वो चैलेंज आपको कंप्लीट करना है, एंड उधर अपना ट्रेनिंग करोगे आपको इंटरेस्ट भी बढ़ने वाला है। सो अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे अपना रिएक्शन ट्रेनिंग रहता है उसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा पहले, एंड रिएक्शन ट्रेनिंग में सीन क्या रहता है लाइक मैं अभी आपको समझाता हूँ। ट्रेनिंग रिएक्शन ट्रेनिंग डिफिकल्टी लेवल 1 करता हूँ, 3 सेकंड के लिए मेरा टारगेट पॉपअप होने वाला है, एंड इसमें मेरी वेस्ट पे भी गोली लगने वाली है, पाँव पे भी लगने वाली है, सो कैसे मैं उसको डाउन कर सकता हूँ। सो ये बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है, बट इसको आपको यूज नहीं करना है, इसको आपको नहीं खेलना है। स्टार्टिंग में आके इवन खेल सकते हो, जस्ट आपका हाथ बिठाने के लिए खेल सकते हो, जैसे हेड शॉट भी काउंट हो रहा है एंड बेस्ट शॉट भी काउंट हो रहे हैं। सो यहाँ पे अभी सीन क्या रहता है, जब मैं इसको कैंसिल करके अभी दूसरा वाला चलाने वाला हूँ, छोटा शॉर्ट टाइम पीरियड होता है इसका, फटाफट से आपके टारगेट्स आते हैं, अभी 2 सेकंड के लिए आपका टारगेट रहता है यहाँ पे, ऊपर टाइमर चलता है अपना, और आपको जस्ट ओनली हेडशॉट हिट करना है। सो द बेस्ट पार्ट इज कि आपको ओनली हेडशॉट हिट करना है, वही आपका काउंट होगा, एंड M4 का रिकॉइल बढ़ गया है यहाँ पे। M4 स्कारल किसी भी गन से कर सकते हो आप, इवन स्नाइपर हो सो स्नाइपर से भी कर सकते हो, बट स्नाइपिंग मतलब थोड़ा सा क्लोज है यार, स्नाइपर के लिए अलग होना चाहिए था, क्योंकि दूर वाले टारगेट्स होते हैं अपने पास एंड अपने को जल्दी जल्दी डाउन करना है, सो वो चीज़ रहती है। मेरे से इवन शॉट भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे हेडशॉट, बट ये सीन रहता है इसमें। चैलेंज और क्या है, आपको रिलोड भी करना पड़ेगा 2 सेकंड के अंदर, टारगेट को भी डाउन करना पड़ेगा, इट इज़ सेम लाइक जो पहले अपने को मिलता था ना चेयर पार्क में, बट इधर क्या है, इधर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, आपका अपना है, मतलब ये पूरा इस पूरे एरिया के मालिक आप हो। सो ये यहाँ पे सीन रहता है। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार कि गेम फॉर पीस में अपने को 100 HP के टारगेट्स मिलते थे गाइस, बट उसमें एक और चीज़ रहती है कि जो मतलब ब्लड की जगह जो अपने को वो चीज़ें मिलती थी जैसे इफेक्ट से मिलते थे वो यहाँ पर रहते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं आपको इधर नहीं मिले, बट ये ट्रेनिंग ग्राउंड ना काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा लगा मुझे, एंड इसमें आप काफ़ी अच्छे से खेल सकते हो गाइज। अभी एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं तो ये पबजी मतलब खेल रहा हूँ, मैं जस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में आया एंड बाकी मैंने कुछ नहीं खेला, एंड इवन मैंने अपना मतलब VPN वगैरह भी ऑन नहीं करके रखा है, मेरा पबजी नॉर्मली चलता है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप लोग इस खेलो, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता लग जाए, एंड आप उसी तरह से प्रिपेयर होके जब भी अपना पबजी अनबैन होता है ना उस टाइम आप खेलोगे, सो आपको थोड़ा ईजी रहेगा, आपको पता रहेगा कि मैं भाई मुझे ऐसे काम करना है एंड ऐसे अपना पबजी खेलना है, सो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा मेरे भाई। एंड गाइज एक चीज़ तो बताना मैं भूल गया कि ये डिफिकल्टी लेवल अप क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे आप मास्टर कर लेते हो एक चीज़ को, लाइक मैंने M416 मास्टर कर लिया, अभी मैं किसी भी टारगेट को ईजीली डाउन कर सकता हूँ। सो बहुत बंदे मतलब मास्टर कर लेते हैं, उसके चक्कर में इनको मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना पड़ता है कि मतलब लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, वो ग्राइंड करते रहे, सो उस चक्कर में अभी और इंक्रीज होने वाला है थोड़े कुछ अपडेट्स के बाद, और मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको DMR पे स्विच होना पड़ेगा तभी आप कुछ कर सकते हो, कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। सो DMR चलाना अभी स्टार्ट कर दो जिसने नहीं करा है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो फटाफट से यार लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना। ओके गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।